निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती पर आज हरियाणा विधानसभा सचिवालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। मुख्यमंत्री ने बाबा साहब को पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उन्हें नमन किया। वहीं मुख्यमंत्री ने हरियाणा विधानसभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का माल्यार्पण किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज पूरे देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। वहीं धारा 370 पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि धारा 370 को हटाकर देश के प्रधानमंत्री ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। उधर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बाबा साहब की 130वीं जयंती पर कहा कि बाबा साहब ने जो संविधान पूरे देश को दिया वो एक अनूठा संविधान है, जिसके चलते विश्व की सबसे बड़ी आबादी के देश भारत की संविधान की रचना हुई। इसमें भाईचारे का संदेश, देश में अंतिम सीढ़ी पर खड़े व्यक्ति, गरीब और दलित की सोच रखते हुए संविधान की रचना हुई। आज उसी संविधान से देश आगे बढ़ रहा है। भारतीय संविधान के निर्माता व शिल्पकार परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती है। इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान पूरे देश को दिया, हमें दिया है, मैं समझता हूं कि अपने आप में एक अनूठा संविधान है। विश्व की लगभग सबसे बड़ी आबादी का देश भारत, और उसके लिए जो संविधान की रचना हुई, जिस प्रकार से समरसता का संदेश, आपसी भाईचारे का संदेश, देश को, देश के अंदर जो सबसे अंतिम सीढ़ी पर खड़ा हुआ व्यक्ति, जो सबसे गरीब और दलित व्यक्ति, उसकी सोच करते हुए संविधान की रचना हुई, और आज उसी संविधान के माध्यम से देश जो है वो आगे बढ़ रहा है। हमारे जितने भी देश के नायक हुए, प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने इसी संविधान के माध्यम से लगभग पिछले 75 साल से देश को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जिस प्रकार से शिक्षा के लिए कि हमें शिक्षित होना बहुत आवश्यक है, उसके लिए चाहे हमें एक वक्त की रोटी भी छोड़नी पड़े, इस प्रकार का जो संदेश दिया वो देश के विकास के लिए, देश की उन्नति के लिए। और दूसरा बड़ा संदेश जो उन्होंने दिया, आपसी भाईचारे का, समरसता का, हम सब एक समान हैं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं है। जब हम ये विचार लेकर के आगे बढ़ेंगे तो देश निश्चित तौर पर तरक्की करेगा। नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे महान पुरुष हुए हैं, उन महान पुरुषों का विरोध करना बिल्कुल ही जायज़ नहीं है, कतई जायज़ नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो इस प्रकार का विरोध कर रहे हैं वो देश को और समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उन्होंने देश के हर वर्ग के लिए अपने संविधान के अंदर बहुत कुछ दिया है। और आज इस अवसर पर जब हमने पिछले 5 मार्च को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की यहाँ पर मूर्ति की स्थापना किया था, अनावरण किया था, तो आज उसके पश्चात ये पहला कार्यक्रम हम यहाँ विधानसभा के अंदर कर रहे हैं। और आज मैं आप सब के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि हर वर्ष इस प्रकार का कार्यक्रम। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।